इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने में गौर चौक और एक मूर्ति चौक के बीच में लाई करता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल 130 मीटर के सामने ही है। गौर वर्ल्ड स्ट्रीट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रेडी टू मूव इन है, ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है, बहुत जल्दी इसका पोजीशन होने वाला है। ये इसका आउटर फसाड है और बस अभी इसको हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करेंगे अंदर चल के आपके साथ, एंड फिर लास्ट में आपको बताएंगे यहाँ पर आपको क्या रेट्स मिल जाएंगे, क्या पेमेंट प्लान्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं और फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, ये अभी इसकी मेन एंट्रेंस है प्रोजेक्ट की, इसके साथ में एक और भी एंट्री आपको मिल जाएगी, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। टोटल जो ये प्रोजेक्ट है ये पूरा 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जो कि 3 साइड ओपन है। आपको इसके पीछे जो रोड मिलती है दैट इज़ 24 मीटर रोड, स्टार्टिंग से जो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, जो बाहर वाली रोड है इसकी मेन रोड वो 130 मीटर की है। एंड इसमें आपको मिलेंगे टोटल 8 फ्लोर्स, लोअर ग्राउंड, फिर ग्राउंड एंड ग्राउंड के ऊपर फिर आगे 7 फ्लोर्स। ये लोअर ग्राउंड अभी आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ये पूरे के पूरी जो भी रिटेल्स है ये सारी हाइपर मार्ट के लिए है। लोअर ग्राउंड पर आपको सारा मिलता है हाइपर मार्ट, एंड जितने भी आप यहाँ पर आप शॉप्स हमारे साथ अभी एक्सप्लोर करेंगे वो सारी हाई स्ट्रीट रिटेल शॉप्स रहने वाली है। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर। ये जितने भी आप शॉप्स देखेंगे ये ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है, बहुत वाइड कॉरिडोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो जिस पैसेज पे अभी हम लोग चल रहे हैं ये काफ़ी वाइड है, तो दोनों ही साइड पर आपको काफ़ी वाइड कॉरिडोर्स मिल जाएंगे। एंड पूरी बिल्डिंग में ये जिंदल स्टील से स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो बाहर से भी अगर आप इसका फसाड देखेंगे तो पूरा स्टील का ये बना हुआ है। ये एक लुक आ रहा है ऊपर के फ्लोर्स का, एंड आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा एट्रियम मिडल में आपको मिलेगा, और एट्रियम से आप देखें तो इसकी जो लुक है चारों तरफ की वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो गाइज, अभी हम लोग हैं प्रोजेक्ट की बैक साइड पर। ये जो मेरे सामने रोड देख रहे हैं ये 24 मीटर की वाइड रोड है, फ्रंट इसका रहेगा 130 मीटर, बैक साइड इसकी रहने वाली है 24 मीटर। फिर से बता देता हूँ, 3 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट है। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये बैक साइड से फसाड का व्यू आने वाला है। मैं आपको एक बहुत मेजर अट्रैक्शन बताता हूँ, इसके जितनी भी सराउंडिंग्स हैं वो सारी की सारी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से बनी हुई हैं। इधर अजनारा का प्रोजेक्ट है, पीछे पंचशील का प्रोजेक्ट है, फिर सुपर टेक का इको विलेज 2 आ जाता है, इधर एम्स का प्रोजेक्ट है, ATS अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। तो इसकी सराउंडिंग्स में लैक्स ऑफ फैमिलीज रहती हैं। अगर कुछ ही किलोमीटर